ओके नेक्स्ट इसमें क्या ले लिया, इसी में ही सेम कितना पॉइंट था वो सिक्स, ऐसे लिख लिया लाइन कटिंग कटिंग ऑफ इक्वल नॉन जीरो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, देन लिख लेते हैं, चलो बोले देन m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन। देखो यही एक्चुअली दूसरा तरीका है बोलने के लिए जो मैंने अभी फिफ्थ बोला था, क्या तरीका है कि इक्वली क्या हो, नॉन डिस्टेंस जीरो हो जाए फ्रॉम ओरिजिन से, मतलब क्या हो जाए, जैसे अगर ये मैंने बनाया तो यहाँ से ये डिस्टेंस सेम रहे, ठीक है, इसको चलो मैंने पी मान लिया, तो ये तो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, इसका मतलब लाइन यहाँ पर ऐसे भी बन सकती है, लाइन यहाँ पर इस तरह से भी बन सकती है और लाइन यहाँ पर इस तरह से भी बन सकती है, तो अगेन यहाँ पर स्लोप कितना आ गया प्लस माइनस वन। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं, तो ये वर्डिंग्स याद रखो, लाइन कटिंग ऑफ इक्वल नॉन जीरो, नॉन जीरो क्यों बोल दिया, क्योंकि कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, नहीं तो सेंस क्या रह जाएगा, अगर डिस्टेंस ही जीरो इसका मतलब लाइन ओरिजिन से पास होगा। आई होप पीछे समझ में आ रही क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज दिस वॉज इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन। ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, तो फर्स्ट मैंने ले लिया चलो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइन, फर्स्ट इसमें मैंने ले लिया स्लोप पॉइंट फॉर्म, आई होप जी समझ में आ रही है, चलो ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म देखो क्या हो रहा है, तो मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर स्लोप पॉइंट फॉर्म है, मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना है, तो क्या किया, एक लाइन दे रखा है, स्लोप पॉइंट फॉर्म का मतलब इसका लाइन का स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है दैट इज एक्स वन वाई वन, ठीक है, तो इसकी मुझे इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, तो मैं अगर याद है लोकस में हम लोग एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते थे पी एच कॉमा के, ठीक है, एच कॉमा के ले लिया, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लोकस ऑफ दिस पॉइंट पी, ठीक है, जो इसी लाइन पे है और जिसका स्लोप क्या है एम है, अब मुझे क्या करना होगा, कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल कंडीशन लिखना होगा, तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन मैंने कैसे लिखा, अच्छा मुझे ये बताओ अगर मुझे स्लोप ऑफ लाइन निकालना है तो स्लोप ऑफ लाइन एक तो एम गिवन है ऑलरेडी और दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे पास दो पॉइंट है यहाँ पर तो दो पॉइंट से स्लोप निकालना अभी हमने सीखा था, तो दो पॉइंट से अगर मुझे स्लोप निकालना है तो मैं कैसे लिखूंगा, स्लोप ऑफ लाइन कैसे लिखूंगा इसको, ठीक है, y2 माइनस y1 था ऐसे था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो यहाँ पर y2 मैंने क्या बोल दिया, k को बोल दिया k माइनस y1 अपॉन इसको x2 किसको बोल दिया, h को बोल दिया h माइनस x1, ऐसे बोल दिया, और स्लोप ऑफ द लाइन तो ऑलरेडी गिवन है, तो स्लोप ऑफ द लाइन तो यहाँ पर कितना है m, तो ये m इज इक्वल टू कितना हो गया k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1, ठीक है, इसको अब मैंने अगर रीअरेंज कर दिया तो ये कितना हो गया k माइनस y1 इज इक्वल्स टू m, ठीक है, ये सॉरी h है ना, h माइनस x1, तो ये क्या हो गया, इस तरह से हो गया। अब तुम देखो यहाँ पर h और k है, यहाँ पर y1 है x1 है, यहाँ पर कुछ m है, यहाँ पर और कोई अननोन वेरिएबल नहीं है, x1 और y1 तो क्या है एक फिक्स्ड पॉइंट है और स्लोप भी क्या है फिक्स्ड ही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है और कोई अननोन वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो पॉइंट h, k को मैं सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ पॉइंट x और y में, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, ठीक है, ये आ गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये क्या है यहाँ पर, ये स्लोप है, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है एक पॉइंट है, तो इस चीज को याद कर लिया, किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है तो स्लोप पता होना चाहिए और एक पॉइंट पता होना चाहिए, आई होप दिस इज फाइन, ठीक है, तो ये तो एक फॉर्म हो गया, दूसरे फॉर्म में आते हैं, क्वेश्चन करेंगे डोंट वरी, इसमें मैंने लिख दिया टू पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, तो टू पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है, अब मेरे पास लाइन में क्या दे रखा है, दो पॉइंट दे रखा है, एक तो यहाँ पर क्या हो गया एक्स वन वाई वन हो गया, दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा बी मैंने ऐसे ले लिया चलो एक्स टू वाई टू ले लिया, दो पॉइंट मेरे पास गिवन है, अब मुझे क्या करना है इसकी इक्वेशन फाइंड करना है, तो फिर से मुझे अगर इक्वेशन फाइंड करना है तो मैंने क्या कि यहाँ पर एक पी पॉइंट माना एच कॉमा के, अच्छा अगर यहाँ पर एच कॉमा के मैंने मान लिया, पर अच्छा यहाँ पर कोई स्लोप तो गिवन नहीं है,
अच्छा पर मैं स्लोप तो निकाल सकता हूँ, कैसे स्लोप निकाल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ दो यहाँ पर दो अननोन पॉइंट्स हैं मेरे पास, दो नोन पॉइंट से मैंने स्लोप कैसे निकाल दिए, एम इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ऐसे निकाल दिया स्लोप। ठीक है, एक बार मैंने स्लोप निकाल दिया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं फिर से स्लोप निकाल सकता हूँ कोई सा भी दो पॉइंट लेके। तो मैंने बोल दिया कि ये किसके बराबर होगा, ये तो स्लोप ऑफ ए पी बी होगा, सीधी सी बात है, और इनफैक्ट ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ बी इंटू पी, ये भी हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ अगर ए पी लिखना है तो स्लोप ऑफ ए पी कैसे लिखूंगा, ये हो जाएगा सेम इसी वे में के माइनस वाई वन अपॉन एच माइनस एक्स वन, ऐसे लिख सकता हूँ। या अच्छा इन सबका स्लोप क्यों सेम होगा, क्योंकि लाइन तो एक ही है, ये बात तो तुम समझो कि लाइन एक ही है तो हर लाइन का एक लाइन का स्लोप तो एक ही होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक लाइन का स्लोप तीन चार हो जाए, तो मतलब ही क्या रहेगा इसका, इसका मतलब क्या है, एक लाइन का स्लोप अगर तीन चार हो जाए इसका मतलब इसका तो इंक्लिनेशन ही चेंज हो रहा है, इंक्लिनेशन थोड़ी ना चेंज हो रहा है, इसलिए स्लोप तो क्या होगा एक ही होगा। इसके लिए स्लोप लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, के माइनस वाई टू अपॉन एच माइनस एक्स टू। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, आई होप दिस इज फाइन। तो तुम क्या करो, कोई भी दो इक्वेशन को उठा लो, ठीक है, जैसे मैंने इसको उठाया तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, के माइनस वाई वन, इसको यहाँ मैंने यहाँ रखा, ठीक है, और ये जो स्लोप वाला था इसको मैंने ऐसे ही रखा, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये क्या हो गया, पूरा स्लोप हो गया, और ये कितना हो जाएगा, एच माइनस एक्स वन, आई होप ये चीज समझ में आ रही है। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर ये इस तरह से आ गया उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, मैंने एच और के को मैंने क्या किया, एक्स और वाई डाल दिया, तो ये कितना हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, ये तो स्लोप लिखा है, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई व्हेन टू पॉइंट इज गिवन। अच्छा तुम यहाँ पर ध्यान दो, ये जो लिखा है बेसिकली ये तो स्लोप ही लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये भी स्लोप ही था, इधर देखो यहाँ पर इधर देखो ये भी स्लोप ही था, इसका मतलब दोनों चीज सेम ही लिखी है। मतलब क्या किया है, अगर स्लोप ऑलरेडी गिवन है तब तो एक ही पॉइंट इनफ है, और अगर स्लोप गिवन नहीं तब तो दो पॉइंट चाहिए मुझे, ठीक है, बनाने के लिए। अच्छा अगर तुम इस वाली इक्वेशन को यूज करोगे, ये वाली इक्वेशन को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम केस में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वाई माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई टू हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन, ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, ये तो पर्टिकुलर, ये तो पूरा स्लोप है, उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स टू आ जाएगा। ठीक है, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन, और ये दोनों एक ही लाइन है। ये मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तुम स्लोप बना लो, पहले तो तुम क्या करो, दो पॉइंट से स्लोप बना लिया, उसके बाद फिर तुम क्या करो, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, ठीक है, चाहे तुम ए पॉइंट पकड़ लो चाहे तुम बी पॉइंट पकड़ लो, और ये फॉर्मूला लगा दो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। आई होप ये चीज समझ में आ रही है हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर नोट क्या करना है, कि अगर मुझे लाइन की इक्वेशन बनाना है तो मुझे दो चीज तो चाहिए, दो क्या चाहिए, या तो मुझे स्लोप चाहिए, ठीक है, मतलब या तो मुझे स्लोप और पॉइंट मिल जाए, और या तो मुझे दो पॉइंट मिल जाए। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास अगर एक ही इन्फॉर्मेशन है तो इससे मैं लाइन नहीं बना सकता, ठीक है, फिर वो क्या होगा, वेरिएबल लाइन हो जाएगी, क्योंकि उसमें एक अननोन चीज़ होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर मुझे लाइन की इक्वेशन बनाना है तो मुझे दो पैरामीटर तो चाहिए, एक स्लोप चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, या दो कोई पॉइंट मिल जाए मुझे। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही है तुम्हें। ठीक है, तो क्या करते हैं, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट वन विद स्मॉल क्वेश्चन। मैंने लिख दिया यहाँ पर अ लाइन पासेस थ्रू 1,0 देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इफ। ठीक है, क्वेश्चन ले लिया, मैंने बोल दिया एक लाइन 1,0 से पास हो रही है तो मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। मैं अच्छा केसेस बना रहा हूँ यहाँ पर। फर्स्ट केस मैंने ले लिया कि स्लोप इज 10 3 पाई बाय 8। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या बोल रहा है ये, कि ऐसा कुछ होगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर ये क्या 1,0 से पास कर रहा है तो यहाँ पर ये 1,0 बना दिया ऐसे। ठीक है, और इसका ये स्लोप कितना, ये थीटा कितना बोल रखा है इसने, 3π/8। तो बस ठीक है, पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो क्या कर सकते हो, स्लोप पॉइंट फॉर्म से बना सकते हो। अच्छा, ये tan 3π/8 कितना होता है ये हमने पहले निकाल चुके हैं, और अगर तुम्हें नहीं आता तो निकालने की कोशिश करो, हम लोग ये ऑलरेडी ट्रिगो में कर चुके हैं। ठीक है, √2+1 होता है, तो कैसे लिखोगे, वही वाला फॉर्मूला, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन।
तो बस इसमें यहाँ पर क्या रखो, पॉइंट्स रख दो। पॉइंट यहाँ पर क्या है, पॉइंट यहाँ पर 1, 0 है, और स्लोप यहाँ पर कितना है, ये स्लोप है, ठीक है, ये जो यहाँ पर लिखा है। तो ये कितना हो जाएगा, वाई माइनस, ये तो जीरो हो गया, और ये कितना हो जाएगा, रूट टू प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। आई होप ये समझ में आ रही क्या कर रहे हैं। ठीक है, तुम चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, या तुम इसको इस तरह से ही छोड़ दिया अभी फिलहाल मैंने। ओके अच्छा एक बात और, जब भी तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करते हो ना, तो क्या किया करो, एक रफ डायग्राम तो बनाया करो हमेशा, ठीक है, जहाँ तक जरूरत पड़े रफ डायग्राम बनाया करो। और जब तुम रफ डायग्राम बनाओगे तो क्या होता है कि तुम्हें ना दिखना शुरू हो जाता है चीज़ें। पहले होता हो सकता है कि क्वेश्चन देख के तुम्हें समझ में नहीं आया, ये तो चलो बहुत ईजी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में अगर मैंने डायग्राम नहीं भी बनाया होता तो भी हम लोग क्वेश्चन कर लेते, क्योंकि फॉर्मूला में पुटअप कर सकते थे। पर अभी जैसे जैसे हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो तुम क्या करो उसको रफ डायग्राम बना लो। आई होप ठीक है समझ में आ रहा है। बी पार्ट क्या ले लिया, ऑल्सो पासिस थ्रू, कोई पॉइंट ले लेते हैं, ऑल्सो पासिस थ्रू क्या ले लिया, चलो 2, 1। ठीक है, तो दो पॉइंट से पास कर रहा है, तो दो पॉइंट से पास कर रहा है। दो पॉइंट कौन सा, एक इनिशियली तो 1, 0 तो दे ही रखा है, ये तो सब में कॉमन है, उसके बाद में एक एक्स्ट्रा केसेस बना रहा हूँ। तो अगर दो पॉइंट से पास कर रहा है तो फॉर्मूला बना लिया यहाँ पर, पहले क्या किया, चलो पहले यहाँ पर मैंने स्लोप लिख लिया, स्लोप इज इक्वल्स टू क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, तो ये वाई टू माइनस वाई वन क्या बोल दिया, ये तुम्हारा क्या हो गया, इसको मैंने बोल दिया ये है एक्स टू वाई टू। ठीक है, और एक्स वन वाई वन क्या है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ऊपर देखो ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ 1, 0 पे। तो तुम यहाँ पर क्या रखोगे, वाई टू रखो, तो वाई टू कितना हो गया 1, -0 अपॉन एक्स टू रखो, एक्स टू कितना है 2, -1, तो ये कितना हो जाएगा 1/1, दैट इज 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद तुमको क्या करना है, बस एक कोई भी एक पॉइंट ले लो, चाहे तुम 1, 0 लो, चाहे तुम 2, 1 लो, लाइन सेम ही आएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, चलो ऊपर वाला पॉइंट ले लिया, तो हो जाएगा वाई माइनस जीरो इज इक्वल टू स्लोप, ये कितना हो जाएगा एम आ जाएगा, तो दैट इज 1, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, तो ये कितना हो गया, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास लाइन आ गई। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, दूसरे वाले पॉइंट से भी मतलब बता करके दिखाता हूँ। मतलब मैंने क्या बोला था पहले कि तुम ए वाला पॉइंट लो चाहे बी वाला पॉइंट लो, लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, सेम ही आएगी। तो चलो मैंने क्या किया, अब दूसरा सेकंड वाला पॉइंट ले लिया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वाई माइनस 1 इज इक्वल टू स्लोप तो वही रहेगा, ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस 2 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, वाई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो तुम क्या करो, सारी क्वांटिटी को इस साइड लिख के आओ, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, जब माइनस वन इधर आएगा तो प्लस 1 बनेगा, और प्लस 1 माइनस 2 क्या बन जाएगा, माइनस 1। तो तुम देख सकते हो इक्वेशन क्या आ रही है, सेम ही आएगी, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो जस्ट फॉर द सेटिस्फैक्शन, ठीक है, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए कर दिया ये। सी केस क्या ले लिया, पासिस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ चलो दो लाइन ले ली, y इज इक्वल्स टू x एंड y इज इक्वल्स टू 2x+1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक जो मुझे लाइन की इक्वेशन चाहिए जो 1, 0 से तो पास हो ही रहा है, और साथ में और कहाँ से पास हो रहा है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, किसके, ये जो दो लाइन यहाँ पर मैंने लिख दिए। तो एक काम करता हूँ, इन दोनों लाइन को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इन दोनों लाइन को अगर मैंने सॉल्व कर लिया तो मैं क्या करूँगा, मुझे मेरे पास पॉइंट मिल जाएगा। जैसे ही मेरे पास पॉइंट मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, दो पॉइंट आ जाएंगे, एक पॉइंट तो ऑलरेडी है मेरे पास। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया। कैसे सॉल्व कर लिया, इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है, तो एक काम करता हूँ, वाई को उठा के मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू 2x+1, तो यहाँ से कितना हो गया, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1। कैलकुलेट कर सकते हो, अगर x माइनस 1 आ गया तो तुम क्या करो, उठा के किसी भी इक्वेशन में डाल दो। मैं समझो मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन में डाल दिया, तो y भी कितना हो जाएगा, माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, माइनस 1, 1, और एक पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन था, दैट इज 1, 0। ओके, तो बस यहाँ से इक्वेशन लिख दो, y माइनस कौन सा भी पॉइंट ले सकते हो, y माइनस 0, स्लोप लिखना है y2 माइनस y1, तो मैंने बोल दिया 1, -0 अपॉन, ये हो जाएगा -1, -1, और ये हो जाएगा x माइनस 1। आई होप दिस इज फाइन, इसको तुम सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा y, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस हाफ हो गया, और ये कितना हो जाएगा, x माइनस 1, तो और चलो कर ही देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन, आई होप ये चीज़ समझ में आ रही है। ओके ठीक है।